आज हम बनाएंगे अष्टमी नवमी कन्या पूजन पर बनने वाली विशेष प्रकार की थाली, जो झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक कप चने लिए हैं, जिसे मैंने रात भर भिगो दिए हैं। अब हम लेंगे कुकर। कुकर में हम चनों को पानी के साथ डाल देंगे। ये लगभग पाव किलो चने हैं, यानी 250 ग्राम। अब इसमें हम लेंगे एक चम्मच नमक और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन लगा करके हम इसे 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। जब कुकर ठंडा हो जाए तब हम ढक्कन खोल लेंगे। ये देखिए, हमारे चने एकदम अच्छे से पक चुके हैं। मैं आपको एक मैश करके दिखाती हूँ। अब हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम लेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम लेंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब 1 चम्मच लेंगे हम आमचूर पाउडर, जिससे हमारी सब्जी चटपटी बनेगी। अब हम लेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके इन्हें मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से फूल जाएं। और इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। अब हम इसमें लेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब हम लेंगे 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च, तीखेपन के लिए, जो हमारी सब्जी को तीखा बनाएगा। अब इन्हें हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट भून लेंगे। ये देखिए, भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम जो मसाले भिगो करके रखे थे ना, उन्हें हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन्हें हम ढक करके 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, 1-2 मिनट बाद मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है और कितना अच्छा कलर आ चुका है, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे चने, जो हमने बॉईल करके रखे हैं, और उन्हें हम पानी के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हम इसमें अलग से पानी नहीं मिलाएंगे, इसलिए हम इन्हें पानी के साथ डालेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इन्हें ढक करके 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, जो हमारी सब्जी को और भी टेस्टी बनाएगा। और इन्हें हम मिक्स करके 5 मिनट तक और ढक करके पका लेंगे। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी सब्जी का पानी पूरा सूख गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमने पहले से इसमें नमक मिला रखा है। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश धनिया का पत्ता मिला देंगे और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन्हें ढक करके 1 मिनट और पका लेंगे, ताकि गरम मसाला अच्छे से पक जाए और नमक भी अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, अब हमारी सब्जी पूरी परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा, जिसके लिए मैंने 1 कप सूजी लिया, 1 कप चीनी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से मुनिके और इलायची, और मैंने ले लिया इसमें 1/4 कप ऑयल। आप चाहे तो इसमें घी ले सकते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इनमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इन्हें हम चलाते हुए भूनेंगे। 1-2 सेकेंड के लिए हम इन्हें भून लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे मुनुके। पहले मुनुके मिला देंगे तो फटाक से वो ऑयल में फूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसे बाद में मिलाया है। ये देखिए, अब हमारे ड्राई फ्रूट्स और मुनुके अच्छे से भून चुके हैं। अब इन्हें हम फटाफट से एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे और जो हमने सूजी रखा है 1 कप, उसे हम इसमें मिला देंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। हमें सूजी को छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से जले नहीं। सूजी को भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे 3 कप पानी। जैसे कि हमने 1 कप सूजी लिया है, तो हम 3 कप पानी मिलाएंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनेगा। और 1 कप सूजी के लिए हम 1 कप ही चीनी लेंगे, जिससे हमारी सूजी न ज़्यादा मीठी होगी न ज़्यादा फीकी होगी, एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होती है। ये देखिए, मैंने 3 कप पानी मिला लिया है। अब इन्हें हम चलाते हुए पका लेंगे। और सूजी बहुत जल्दी पानी ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए हमें इसे चलाते रहना है। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो हमने फ्राई करके रखे हैं। इसमें मैंने बादाम नहीं डाले, उन्हें हम बाद में ऊपर से मिला देंगे कट करके। ये देखिए, हमारी सूजी भी अच्छे से पक चुकी है।
इस टाइम पे हम इस पे मिलाएंगे इलायची का पाउडर। मैंने 4 से 5 इलायची को कूट लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा फूड कलर। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर को दूध में भिगो करके मिला सकते हैं, पर इस टाइम पे मेरे पास केसर नहीं था तो मैंने इसमें हल्का सा फूड कलर मिला दिया है। अब इन्हें हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, यानी कि सूजी अपना पानी छोड़ देगा, और उसे भी हमें अच्छे से पका लेना है। ये देखिए हमारी सूजी एकदम अच्छे से पक रही है, कितना सुंदर कलर आ चुका है इस पे सूजी पे। ये देखिए एकदम दानेदार सूजी बन करके हमारी तैयार हुई है। अब इसे 1-2 मिनट और हम पकाएंगे। ये देखिए हमारी सूजी अब अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। अब हम लेंगे एक केक टिन या फिर मिठाई वाला डब्बा जो आपके पास हो आप ले सकते हैं, या फिर इसे आप थाली में भी सेट कर सकते हैं, और उस डब्बे में हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और बाकी सूजी को हम इसमें पलट लेंगे और इसे स्पैचुला की मदद से हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सूजी जब अच्छे से सेट हो जाए तब हम इस पर मिलाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। जो मैंने बादाम बचा करके रखे थे उन्हें मैंने बारीक बारीक कट करके ले लिया है। अब इस पर हम ऊपर से डाल देंगे और इन्हें हम स्पैचुला की मदद से दबा देंगे ताकि ये सूजी में चिपक जाए। ये देखिए अब इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हमारी सूजी अच्छे से ठंडा हो चुकी है। अब इसे हम चाकू की मदद से कट का डिज़ाइन दे देंगे चौकोन शेप में। आप चाहे तो मनपसंद शेप दे सकते हैं इसमें। अब इसे हम साइड में कर देंगे। अब हम बनाएंगे पूरी, जिसके लिए मैंने 2 कप आटा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी। चीनी से हमारी पूरी में अच्छा सा कलर आएगा। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम अच्छे से कड़क सान लेंगे। जिसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा कड़क ही सानेंगे। ये देखिए मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे ढक कर के रख देते हैं एक साइड में। अब हम लेंगे थोड़ा सा लोई, जिसे हम ऑयल लगा करके थोड़े थोड़े करके लोई कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब इनकी हम छोटी छोटी गोल गोल लोई बना लेते हैं। हम इसी तरीके से बाकी लोइयों को भी तैयार कर लेंगे। अब हमारी लोई तैयार हो चुकी है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब इन्हें साइड करके हम एक लोई हाथ पे लेकर के उन्हें हल्के हाथों से दबा करके शेप दे देंगे गोल सा, और इन्हें हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप चाहें तो सूखा आटा लगा करके भी बेल सकते हैं, पर उससे जब हम पूरियाँ तलेंगे ना तो ऑयल में वो आटा छोड़ देता है, इसीलिए पूरा ऑयल ख़राब भी हो सकता है, इसलिए हम इसे ऑयल लगा करके बेलेंगे। ये देखिए हमारी पूरी बन करके तैयार है एकदम मीडियम साइज़ में। अब हमने लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जब ऑयल पूरा अच्छे से गर्म हो तब हम पूरी डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमारे गुब्बारे जैसी फूली फूली पूरी बन करके तैयार है। अब इन्हें हम अलटते पलटते हुए दोनों साइड से सेक लेंगे। अब इसी तरीके से हम बचे हुए बाकी पूरियों को बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे चने की सब्जी जो हमने बना करके पहले से रखी है, उसे हम डाल देंगे प्लेट में। अब उस पर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे काट करके। अब हम लेंगे पूरी। ये देखिए मैंने इसमें 3 पूरी रखी है, आप चाहें तो अधिक भी रख सकते हैं। अब इसमें हम रखेंगे सूजी का हलवा। ये देखिए सेट होने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं ये। इन्हें मैंने बाद में ठंडा करके निकाल लिया था। अब इसमें हम थोड़े से और रख देंगे सूजी के हलवा। आप इस बार इस नवरात्रि इस तरीके से बच्चों को परोसिए, बहुत खुश हो जाएंगे वो।